हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना बच्चों? और इस चैप्टर का आज रहेगा बच्चों लेक्चर नंबर 7th। तो बच्चों पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ या VT ग्राफ। उसमें हमने दो प्रकार की गतियों का अध्ययन किया। सबसे पहले किस बात का अध्ययन किया? एक समान गति के लिए VT ग्राफ पढ़ा, फिर पढ़ा एक समान त्वरित गति के लिए VT ग्राफ, और अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों असमान त्वरित गति के लिए VT ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ। एक्चुअली था क्या कि वीडियो लेंदी हो गया था, तो इस पोर्शन को मैं तब कवर नहीं कर पाया था, तो चलिए आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अगर असमान त्वरित गति है, असमान त्वरित गति का क्या मतलब हुआ? असमान त्वरित गति का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपका बाइक चलाना, कार चलाना, बस चलाना, साइकिल चलाना, जब आप घर से निकलते हो विद्यालय जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कभी तो आप बहुत तेज़ साइकिल चलाते हो, कभी भीड़ आ जाती है तो ब्रेक लगाते हो, और कभी अपनी साइकिल को बिल्कुल खड़ा भी करना पड़ जाता है, जाम लग गया, खड़े हो जाओ। देट इज़ असमान त्वरित गति, कि कभी तो वेग में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है और कभी वेग परिवर्तन कांस्टेंट हो गया। जब सड़क बिल्कुल खाली है तो आराम से समान समय अंतराल में पैडल मारते हैं और हमारी साइकिल बिल्कुल एक समान वेग से, एक समान चाल से गति कर रही होती है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, नियत वेग से, नियत चाल से। अगर सीधी रेखा में चल रहे हैं तो नियत वेग और नियत चाल बराबर होंगी। मुड़ते हैं, आप उतने ही पैडल मार रहे हैं। देखो बच्चों, पैडल ऐसे मार रहे हैं ऐसे करके, लेकिन जरा सा भी हैंडल इधर को घुमा दिया तो चाल तो आपकी उतनी ही रही, क्योंकि पैडल आप उतने ही मार रहे हैं बराबर, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, एक कांस्टेंट, एक नियत आवृत्ति से। लेकिन आपने जैसे ही हैंडल घुमाया, दिशा पलट गई, पलट नहीं गई, बदल गई। दिशा बदल जाने से ही वेग बदल गया, लेकिन चाल नहीं बदली। चाल तो डिपेंड आपके पैडल मारने की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, समझना बात को। तो चलिए खैर इन बातों को छोड़िए, अब पिछला लेक्चर देखने के बाद ही इसको देखना बच्चों। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो ज़रूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो बच्चे नए जुड़े होंगे, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो पिछले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो बच्चों जब असमान त्वरित गति होती है तो ग्राफ, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि एक समान गति के लिए और एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ एक सरल रेखा आए थे, लेकिन अब जब असमान त्वरित गति होगी तो ग्राफ अब एक सरल रेखा नहीं रहेगा, सरल नहीं रहेगा, सरल रेखा नहीं रहेगा, तो कैसा हो जाएगा? वक्र। इस अक्ष पर क्या लेते हैं बच्चों? एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं? समय। कौन सा ग्राफ खींच रहे हैं? कौन सा ग्राफ खींच रहे हैं बताएं? VT ग्राफ। इस पर लेंगे टाइम और इस पर लेंगे वेलोसिटी यानी वेग। बात समझना ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं। ओ बच्चों क्या गलती हुई, देखो ये है एक्स अक्ष, दैट इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैंने एक बात बताई थी, मुझसे बच्चों गलती होती है, मैं भी एक मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, प्राणी हूँ,
तो गलतियां होना स्वाभाविक हैं, लेकिन मैं अपनी गलती को पहले से बता देता हूं जिससे कि आप लोग ना करें। होता क्या है कि मैं ये अच्छ तो बना देता हूं बच्चों, लेकिन मूल बिंदु लिखना भूल जाता हूं। तो आप इस गलती को मेरी पकड़ लो कि सर ये गलती करते हैं, तो उस गलती को दोबारा आप ना करो। तो मैं अगर नहीं लिखता हूँ तब भी आप यहाँ पर क्या लिखा करोगे, मूल बिंदु, मूल माने जड़, तभी तो मूली बना। आप मूली खाते हो, सलाद में खाते हो, मूली की भुजिया खाते हो, सब्जी खाते हो मूली की। मूल माने होता है जड़। तो बच्चों जड़ तो यहीं से शुरू हुई, एक्स अच्छे बनाओगे तो यहीं से शुरू हुई, वाई अच्छे बनाओगे तो यहीं से शुरू हुई, हुई कि नहीं हुई। हम जड़ भूल जाते हैं, बना देते हैं एक्स एच वाई एच और मूल बिंदु लिखना भूल जाते हैं। आप नहीं भूलते होगे, ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है, सॉरी बच्चों, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ तो बच्चों आगे चलें कि अगर वस्तु असमान त्वरित गति कर रही है तो उसका ग्राफ अब सरल रेखा न होकर एक वक्र हो जाएगा। वक्र बना दिया, हो गया ना वक्र, वक्र गुलाई आ गई उसमें, कर्व आ गया, कर्वेचर आ गया बच्चों। तो यहां क्या लिखेंगे, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ वक्राकार होता है। कैसा होता है, वक्राकार होता है। वक्राकार, वक्र बन गया बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की गति में हम त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों दो प्रकार से त्वरण ज्ञात करेंगे। नंबर एक औसत त्वरण, पहला कौन सा, अब मैं लिख नहीं रहा बच्चों, बोल देता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहला एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो औसत बच्चों कुछ निश्चित समय अंतराल के बीच निकाला जाएगा। तो मान लो मैं निकालना चाहता हूँ इसको T1 टाइम से लेकर, ग्राफ में मैंने थोड़ा ज़्यादा ढलान दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, T2 यहाँ ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ बच्चों, T2 ले लेता हूँ यहाँ 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 यहाँ, सीध देखने दो मुझको, ये मैंने ले लिया T2 टाइम इंटरवल और ये ले लिया T1, यानी इस अक्ष पर यहाँ टाइम कितना है T1 और यहाँ है T2। तो इतने इंटरवल में औसत त्वरण निकालो ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैंने क्या किया कि यहाँ से ऊपर लंब गिराया ऐसे, समझना मैं उल्टा बनाऊंगा क्योंकि सीधी लाइन नहीं खींचती बच्चों, ऐसे गिरा रहा हूँ, ऐसे गिरा, तो गिरा दी मैंने लाइन, ये गिरा दी और T2 से भी गिरा दी लाइन ऊपर, कैसी लंबवत लंब रेखा खींच दी, सही है, खींच गई ना, T1 से भी खींच गई, T2 से भी। अब मैं डार्क कर रहा हूँ तो डार्क तो मैं ऊपर से भी कर सकता हूँ ना, ठीक है बच्चों, ये अब T1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, उसके लिए मुझे अब यहाँ से इस ग्राफ पर, जब यहाँ मिल गए ग्राफ और यहाँ से खींची गई लंब रेखा जब यहाँ मिल गई, तो मुझे अब यहाँ से इधर लंब गिराना है, इधर गिरा देता हूँ, ये गिरा दिया मैंने,
इधर से गिराया, आपको दिख रहा है कुछ? मैं देखूं इतना दिखता है कि नहीं? हल्का सा, हल्की लाइन खींचता हूं बच्चों, नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही। मैं अब समझ लो मैं इधर से लंब गिरा रहा हूं, लेकिन मैं डार्क करके इधर से ला रहा हूं। ये मैं सोचना कि सर यहां से लंब क्यों गिरा लाए? मैंने इधर से लंब गिराया है, लेकिन अपनी लाइन को सीधा रखने के लिए मेरे पास पैमाना नहीं है ना बच्चों। तो यहाँ से लंब गिराया, वक्र पर यहाँ काट गया, यहाँ से लंब गिराया तो वेलोसिटी एक्सिस पर आ गया, जो वेग अच्छे है। तो टी वन टाइम पर वेग मान लेता हूँ मैं वी वन, ऐसे ही टी टू टाइम पर मैंने जब लंब गिराया तो यहाँ इस पॉइंट पर काटा, अब मुझे यहाँ से इधर लंब गिराना होगा, इधर लंब गिराना होगा ऐसे। ये कहाँ आ गया? टी टू टाइम पर वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली? वी टू। इंग्लिश में याद किया करो बच्चों, यूपी बोर्ड वालों बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो आप समझ जाया करें कि वेग की बात कर रहा हूँ। तो टी टू टाइम पर वेलोसिटी वी टू और टी वन टाइम पर वेलोसिटी वी वन, इस टाइम इंटरवल में मुझे निकालना है औसत त्वरण। तो बच्चों एक पॉइंट आया ए और एक पॉइंट आया बी, इनको मिला करके मैं एक सीधी रेखा खींच दूं ये, तो ये रेखा कितना कोण बना रही है एक्स अक्ष से, वो मान लूं मैं थीटा, तो मुझे पता चल जाएगा औसत त्वरण। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? औसत त्वरण। इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो इतने टाइम इंटरवल का औसत त्वरण बता देगी। कैसे बता देगी? यहाँ से मैंने खींच दिया लंब, इस पॉइंट को मान लिया C, तो त्रिभुज बन गया ABC, ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा। तो औसत त्वरण बराबर वैसे क्या सूत्र है? वी टू माइनस वी वन बटे टी टू माइनस टी वन बराबर, देखें वी टू माइनस वी वन इतनी जो लेंथ है वो हो गई वी टू माइनस वी वन, यहां से लेके यहां तक ये लंबाई वी टू माइनस वी वन हो गई, ये लंबाई टी टू माइनस टी वन हो गई, ये यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये कितनी हो गई बच्चों? टी टू माइनस टी वन। ये लंबाई डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लंबाई वी टू माइनस वी वन, ये लंबाई टी टू माइनस टी वन। तो वी टू माइनस वी वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बढ़िया 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 आगे बी सी बटे टी टू माइनस टी वन को आगे बढ़िए क्या लिख सकता हूँ? ए सी दिस। ये क्या निकल रहा है बच्चों? औसत त्वरण, सॉरी थोड़ी गलती हो जाती है बच्चों, औसत त्वरण। त्वरण को ए से लिखते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे पूरी बात लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए। तो अब देखें इस त्रिभुज में, देखें अगर मैं, सॉरी बच्चों कुर्सी ले लूं, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी में त्रिकोणमिति में आ जाइए। अब आप लोग पता है क्या कह रहे होंगे कि सर फिजिक्स पढ़ाते हो और बीच में गणित ले आते हो, तो ऐसी बात नहीं है बच्चों। गणित और फिजिक्स अलग नहीं है, जो गणित है वो फिजिक्स की भाषा है। जैसे हम लोग अपनी बात दूसरे से कहते हैं, अपनी कुछ भाषा होती है, तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो गणित का सहारा तो लेना पड़ेगा ना,
बिना गणित के फिजिक्स कैसे समझ जाओगे? तो त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा त्रिकोणमिति में चले गए, तो त्रिभुज एबीसी में अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेन थीटा का क्या सूत्र होता है बच्चों? लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब यानी बीसी बटे आधार यानी एसी, और यहीं तो आया था ये बीसी बटे एसी। तो ए बार की जगह जैसे बीसी बटे एसी यहाँ क्या आ रहा है? टेन थीटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि जिस समय अंतराल में हम औसत त्वरण ज्ञात करना चाहते हैं, उन समयों के संगत जो वक्र पर बिंदु मिलते हैं उनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये टेन थीटा क्या है? स्लोप। अभी बताई थी, ओ अभी नहीं, पिछले लेक्चर में बताई थी बच्चों, सॉरी। ये जो टेन थीटा है, इस रेखा की प्रवणता हुई बच्चों। क्या हुई? प्रवणता। वैसे आप इतने लेक्चर देख चुके हो, पीछे समझ गए हो कि जो रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है उसका अगर टेन ले लें तो वो उसके ढलान को व्यक्त करती है। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ कि टेन थीटा क्या कहलाती है? ढाल या प्रवणता। ढाल को कहते हैं स्लोप और प्रवणता को कहते हैं ग्रेडियंट। तो इस रेखा की दोनों समय अंतराल, दोनों मतलब जिन समय अंतरालों में हम औसत त्वरण ज्ञात करना चाह रहे हैं उनसे, उनके संगत जो बिंदु इस वक्र पर मिल रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा समय अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका टेन लेना है, यानी उस रेखा की प्रवणता या उसका ढलान या उसकी ढाल निकालनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा? औसत त्वरण मिल जाएगा। यानी मैं अभी लिख देता हूँ बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, जो बात मैं अभी समझा रहा हूँ वो लिख देता हूँ जिससे वीडियो लेंदी ना हो। हाँ तो बच्चों, किसी निश्चित समय अंतराल में अगर हमें औसत त्वरण ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये सब समझा चुका हूँ कि किसी निश्चित समय अंतराल में औसत त्वरण उस समय अंतराल के संगत वेग समय ग्राफ पर, यानी इन समय अंतरालों के संगत वेग समय ग्राफ पर अगर बिंदु देखें, ओ ये ए थोड़ा वैसा हो रहा है बच्चों, ये बिंदु ए है, इसको इधर लिख दें, ये वाला जो पॉइंट है वो है ए। क्या कहा? उस समय अंतराल के संगत जो बिंदु मिलेंगे, स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल के बराबर होता है। यानी इन समय अंतरालों पर इस ग्राफ पर हमें एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इनको मिला दिया, जो रेखा मिली उसकी ढाल निकाल ली, स्लोप निकाल ली, प्रवणता निकाल ली, ग्रेडियंट निकाल ली, एक ही बात है। तो वही किसके बराबर होगी? एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण के। अब बात करेंगे तात्क्षणिक त्वरण की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैंने यहाँ पर आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, अभी हमने बताया कि औसत त्वरण कैसे निकालते हैं जब वस्तु असमान त्वरित गति कर रही हो। अब बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लो वस्तु ऐसी गति कर रही है कि उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये तो निश्चित है बच्चों, कैसा आएगा? वक्राकार। तो हम उदाहरण के लिए ऐसा मान लेते हैं कि वक्राकार ऐसे आ गया, वक्राकार बना दो, वक्राकार बना दो। चलो ठीक है, वक्र सरल रेखा नहीं है ना, वक्र है, ऐसे बना दिया मैंने ये ग्राफ। उस वस्तु की गति का ये ग्राफ बना दिया बच्चों, ठीक है। बहुत डार्क हो गया, मैं देखूं स्क्रीन पर, चलो कोई बात नहीं,
सही आ रहा है। तो अब देखें तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तात्क्षणिक त्वरण। हम ये निकालना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये हमें निकालना है बच्चों। तो देखें इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि पर्टिकुलर टाइम पर तात्क्षणिक चाल की बात की जाएगी, तो पर्टिकुलर टाइम पर चाल कितनी है उसको तात्क्षणिक चाल कहेंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम पर मतलब वेग कितना है उसको तात्क्षणिक वेग कहेंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम पर यानी क्षण विशेष पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर त्वरण कितना है उसको तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। ये पिछले लेक्चर्स में आप बच्चों सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी इतने टाइम पर, यानी टी वन टाइम पर कोई ये कहे कि इतने बजे बताओ, 4:10:25 पर उस वस्तु में कितना त्वरण था, वो हो जाएगा तात्क्षणिक त्वरण। तो इसकी बात कर रहे हैं इस टाइम पर टी वन पर, यानी पॉइंट ए पर, इस ग्राफ के पॉइंट ए पर, यानी जब टाइम टी वन था। ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 4:32:25 हो रहे हों, ठीक है, उस समय त्वरण बताओ भाई। तो कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। थोड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों, एक सेकंड रुकिए। जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ वो यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगी, फिर दोबारा बनाता हूँ इस ग्राफ को। कोई बात नहीं बच्चों, धैर्य रखें थोड़ा सा, ये ना कहें कि सर ये क्या गलती सलती करते रहते हैं। जो बात मैं बताना चाह रहा था बच्चों वो बात बनी नहीं इस ग्राफ में, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। इस टाइम पर मैं देखना चाहता हूँ, इस टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है, थोड़ा डार्क कर दें इस ग्राफ को। डार्क कर ही दो यार, खूब डार्क कर लो उसको। तो यहाँ निकालना चाहते हैं ए पॉइंट पर, यानी इतने टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है। तो यहाँ मुझे एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी बच्चों, ये खींच दी टेंजेंट, जिस पॉइंट पर, पॉइंट को बड़ा कर दूँ आपको क्लियर दिखाई दे, देखो ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा इस ग्राफ का, यानी इस जब टाइम टी वन है तो इस पॉइंट पर तात्क्षणिक त्वरण कितना है। तो इस जिस पॉइंट पर आपको तात्क्षणिक त्वरण निकालना है बच्चों, वहाँ एक टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वो समय अक्ष के साथ जितना कोण बना रही हो, मान लो ये कोण है अल्फा, उसकी जो टेंजेंट वैल्यू है यानी इस रेखा की जो प्रवणता है बिंदु ए पर, कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर ऐसे कहो समय टी वन पर, ये बिंदु कब है, किसके संगत है बच्चों, देखो मैं यहाँ लाइन खींची देता हूँ डॉट डॉट, किसके संगत है ये बिंदु, टी वन समय का बिंदु है इस वक्र पर। तो समय टी वन पर तात्क्षणिक त्वरण बराबर
यानी ए निकाल रहे हैं, ए कितने टाइम पर, टी वन टाइम पर, यानी इस पॉइंट पर कितना है। तो ये जो रेखा है बिंदु ए पर खींची गई, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श, ये मात्राएं मिल गई बच्चों, हटा दूं यहां से थोड़ा पहले से लिख दूं, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल या ढलान, दैट इज ए बराबर आ गया टेन अल्फा। यानी ये जो हमने रेखा, ये जो हमने रेखा खींची उसका जो ढलान है इस रेखा का, वो भी कैसी स्पर्श रेखा, उसका जो ढलान है वो इस बिंदु पर तात्क्षणिक त्वरण बताएगा बच्चों, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम कहें कि सर दूसरे किसी कोण पर भी बताओ, तो चलो जैसे टी टू टाइम है, क्योंकि एक बार में बात समझ में नहीं आती है, तो चलिए मैंने एक समय और ले लिया, इस समय पर कितनी होगी, तो इस समय के संगत इस वक्र पर हमें कौन सा बिंदु मिल रहा है, बी, बी बिंदु ही तो मिल रहा है बच्चों। तो इस बी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं इस वक्र को और आगे बढ़ा, तो स्पर्श रेखा खींच रहा हूं बच्चों, देखना ध्यान से, ये आई इस बी पॉइंट पर, पॉइंट को भी तो बड़ा कर दूं, इस बी बिंदु पर जो मैंने स्पर्श रेखा खींची वो अलग कोण बना रही है बीटा, तो इस रेखा का जो स्लोप है, जो ढाल है, जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है, वो इस बिंदु पर इतने समय पर क्या बताएगी, तात्क्षणिक त्वरण। तो अब हम इसी तरीके से लिख देंगे, अब आप लिख लेंगे या मैं फिर लिखूं, चलो मैं लिख देता हूं। अब यहाँ T1 की जगह T2 करना है, समय T2 पर तात्क्षणिक त्वरण A बराबर बिंदु, बच्चों मैं थोड़ा चेयर ले लूँ क्योंकि थोड़ा नीचे हो जाए, बिंदु दिख रहा है आपको, बिंदु B पर खींची गई चौक खत्म हो रही है बच्चों, बिंदु B पर खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए खड़े होके ही लिखता हूँ बच्चों, बिंदु B पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, दैट इज ए बराबर, जब बिंदु बी पर हमने स्पर्श रेखा खींची तो वो समय अक्ष के साथ यानी एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, बीटा, तो उसका टेन ले लें, टेंजेंट ले लें तो हमें प्रवणता मिल जाएगी। तो यानी अगर हम उसका टेन ले लें उस कोण का, कोण को नाप के, तो हमें उस बिंदु पर क्या मिल जाएगा, बिंदु बी पर यानी टाइम टी टू पर तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें।
तो बच्चों अभी बातें बाकी हैं लेकिन वीडियो लेंदी हो रहा है। पिछले लेक्चर में भी हमने कह दिया था कि बच्चों एक घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने टॉपिक अधूरा छोड़ा था। अब भी बातें अधूरी रह गई हैं। खैर टॉपिक पूरा हुआ लेकिन अब हम ये देखेंगे अगर हमें वेग समय ग्राफ दिया है तो हम उस वस्तु की गति का कैसे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वो किस प्रकार की गति कर रही है, एक समान गति है या एक समान त्वरित गति है या असमान त्वरित गति है। असमान त्वरित गति में भी त्वरण बढ़ रहा है, वो सॉरी त्वरण नहीं वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है। इन सब चीज़ों की चर्चा अभी बाकी है, वो करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 8 में। टॉपिक यही चलेगा वेग समय आरेख, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, वो आपने ले लिया होगा। अब मिलते हैं कल बच्चों बाकी के शेष पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड क्या कहें बताएं, पहले कहें बेस्ट ऑफ लक फिर गुड बाय।